सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ तो विधायक जसवंत सिंह गजण माजरा दे घर ईडी दे वल्लों जो छापेमारी की गई उसनू लैके पंजाब की सियासत हुण तेज हुंदी दिखाई दिंदी है। एक पासे जिथे पूरी पंजाब सरकार दे मंत्री अपने विधायक दे पक्ष दे विच खड़दे दिखाई दिंदे ने, उधर दूजे पासे विरोधी पार्टियां दे वल्लों आम आदमी पार्टी की इमान ਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ चुके जान लग पए ने। दरअसल बीते दिन ईडी दे वल्लों आप विधायक जसवंत सिंह गजण माजरा दे घर समेत 10 थावां ते छापेमारी की गई। 14 घंटियां तक एक तलाशी मुहिम चलाई गई, जिस तों बाद गजण माजरा ने दावा किया कि ईडी मेरे घर तों 32 लख रुपया भी लै गई है अते 3 मोबाइल फोन भी उसने अपने कब्जे दे विच लै लए ने। मेरे पैसे अते मोबाइल ईडी लै गई है। जसवंत सिंह गजण माजरा इत्थे दावा कर रहे ने कि जानबुझ के केंद्र सरकार दे वल्लों मेरे नाल ये बदलाखोरी की जा रही है, मैनू बदनाम करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। पर हुण विरोधी पार्टियां ने आम आदमी पार्टी की इमानदारी ते ही सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। अमरगढ़ तों कांग्रेसी उम्मीदवार रहे नवजोत सिंह सिद्धू दे भतीजे समित सिंह माण दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दे विच समित मान ने दावा किया कि यह कोई सियासी बदलाखोरी नहीं है क्योंकि यह तो पुराना केस है अते यह बंदा ही डिफॉल्टर है। समित मान ने की किया है उन्हां दा बयान सब तो पहला तुहानूं सुना दिंदे आ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की स्कीम चलाउंदी है कि कोई करप्ट होवे जां कुछ होवे साडे कोल आ जाए तो साफ हो जाएगा, उस तरीके नाल आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ तो विधायक सरदार जसवंत सिंह गजण माजरा जी दे खिलाफ ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का 5 फरवरी 2019 की जजमेंट है। जो उन्होंने रेडा पै रही हैं वो असल इस ट्रिब्यूनल की जजमेंट के हिसाब न पै रही। ये साफ साफ तो कोर्ट ने लिखा है कि 5 फरवरी 2019 कि 52 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया तो लैता लोन नाल 13% का इंट्रस्ट ये वापस नहीं मोड़ रहे। 2020 आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। जिहड़ी आम आदमी पार्टी गल कर रही है वेंडेटा दी, जां इह कहण दी कि साडे एमएलए नाल धक्का हो रहा जां कोई एजेंसियां धक्का कर रही ने, यह जजमेंट उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन तों पहलां दी है जिस ते कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस तो इलावा जदों अकाली दल दे आगू बिक्रम सिंह मजीठिया तो इस बारे पुछया गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि साडे खिलाफ ये सियासी बदलाखोरी की नीति केंद्र सरकार दे वल्लों अपनाई जा रही है क्योंकि साडी पार्टी की लोकप्रियता पूरे भारत दे विच लगातार वधदी जांदी है, तुसीं इस बारे की कहोगे? तो बिक्रम सिंह मजीठिया ने मजाक ही उड़ा दिता। यार ये तो बहुत कुछ कहिंदी है अगे पर मैं तो की कहना, प्रताप बाजवे ने अगे दसदा इन्हां दे माजरे सारयां दे बारे दसदा ठीक नहीं। बस इन्नी कु गल कह के बिक्रम सिंह मजीठिया इत्थों उठ के चले गए कि आम आदमी पार्टी का की है, वह तो कुछ ना कुछ कहिंदे रहिंदे ने, वह बड़ा कुछ कहिंदे ने। पर गल जेकर की जाए आम आदमी पार्टी की, तो वह अपने विधायक के पूरी तरह पक्ष दे विच आ गए ने। सरकार दे मंत्रियां दे वल्लों गजण माजरा का पक्ष पूरिया जाण लग पिया है। अमन अरोड़ा जिहड़े कि कैबिनेट मंत्री ने सरकार दे विच, उन्हां तों जदों पुछिया गया कहिंदे ने केजरीवाल की लोकप्रियता भगवंत मान की लोकप्रियता वधदी जांदी है, इसे करके ही केंद्र सरकार दे वल्लों आम आदमी पार्टी नूं टारगेट किया जा रहा है। देखो इस तरह कि अज अरविंद केजरीवाल जी की और मान साहब की जिहड़ी पॉपुलैरिटी है पूरे मुल्क दे विच, उसनू देख के आम आदमी पार्टी दी नीतियां तो घबरा के केंद्र दी सरकारां ने जिहड़ियां ਉਹ इस तरीके के बदलाखोरी के भावनावां के तहत काम कर रहे हैं। यही काम इन्होंने दिल्ली के पहला छेड़िया होया सीगा, अज भी यही काम चल रहा उत्थे कि सतेंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी होनी जिन्हां ने पूरे मुल्क दे विच हैल्थ और एजुकेशन दी दा दी रूपरेखा ही बदल दित्ती, दा चेहरा मोहरा ही बदल दित्ता, उन्हां नूं उन्हां दे उपर केसिस ने जिहड़े वो कर दिते गए ने। सतेंद्र जैन जी तकरीबन 3 महीने तो अंदर बंद किए हुए हैं। यही काम है जिहड़ा इन्हां ने हुण भगवंत मान जी ते उन्हां दी टीम दे उपर करना शुरू कर दिता ताकि दबाया जा सके। पर मैं एक गल दसदा कि जिहड़ा झूठ दी और कुफर दी हांडी जिहड़ी वो काट दी हांडी वो एक बारी चढ़दी है, बहुती बार नहीं चढ़दी हैगी। ये जिन्ना सानू लोकां नू दबाउण दी कोशिश करनगे सच्चाई ने
उन्ना ही उछल के वड्डे होना तो लोगों के वध पॉपुलैरिटी जी केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की मान साहब की होनी है। सो इन्ना रेड़ा रूड़ा दे नाल ना तो ना असी पहला कदे घबराए तो ना ही कदे घबरा। अमन अरोड़ा तो इलावा एक होर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक तो भी इस बारे पूछा गया कि तुहाडे विधायक के घर ईडी दे वल्लों छापेमारी की गई है, 32 लाख रुपया भी लै गए ने। तो कटारू चक कहिंदे ने बाकी मैनू कुछ नहीं पता, मैनू इन्ना पता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाइया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के वलों जान बुझ के करवाई जा रही ने। आम आदमी पार्टी का वाधा आधार देख के जिहड़ी केंद्र दी सरकार है वह बुखलाई हुई है। किवें साडे साथियों के उत्ते दिल्ली के अंदर किवें साडे साथियों के उत्ते वख वख झूठे परचे दर्ज करके और ईडी नूं तां इदां इस्तेमाल किया जा रहा जिवें आपां कह ही दिंदे आ वी उह पिंजरे का तोता हैगा आ। सो मनीष सिसोदिया जी उहदे घर भी गए, उन्होंने लॉकर भी सारे तलाश की आ, कुछ भी नहीं मिलिया मतलब उत्थे उन्हां नूं। सो इस करके साडा आम आदमी पार्टी का ना केवल असीं सिस्टम उन्हां नूं इमानदारी वाला देना, साडा कल्ला कल्ला वर्कर, साडा कल्ला कल्ला विधायक, साडे मंत्री समान सवेर तो लैके शाम तक टुट के काम करते आ। सो इस करके जिहड़ा आ उह केंद्र दी सरकार नूं बा जाना चाहीदा जिहड़े हर रोज़ आम आदमी पार्टी दी और खास करके विरोधी सूबे दी सरकारां जिहदा हमले किए जा रहे आ, बड़ा बड़ा खमियाजा केंद्र दी सरकार नूं भुगतना पएगा आने वाले दिनां च। इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी पूरी तरह यह गल कह रही है कि केंद्र सरकार दे वल्लों सियासी बदलाखोरी दे तहत आम आदमी पार्टी दे लीडरां ते कारवाइयां कीतियां जा रहियां ने। भावें कि दिल्ली दे विच सतेंद्र जैन नूं गिरफ्तार किया गया होवे, मनीष सिसोदिया दे खिलाफ जांच चल रही है, पंजाब दे विच जसवंत सिंह गज्जन माजरा दे घर ते उन्हां दे टिकाणियां ते छापेमारी की गई है, सारा कुछ केंद्र सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे भारत दे विच लोकां दी पहली पसंद बनती जाती है अते नरेंद्र मोदी केजरीवाल तो डर गए ने, इसे करके ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो कार्रवाइया करवा रहे ने, ये छापेमारी करवा रहे ने। जदों आम आदमी पार्टी के इन्हां आगुआं तो पुछया जाता है कि पंजाब दे विच वी तां साबका मंत्रियों ते कार्रवाइया हो रही ने, विजिलेंस कार्रवाइया कर ही रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले कहिंदे ने, लीडर कहिंदे ने कि असीं कर रहे हां बिल्कुल सही कार्रवाई, जो पंजाब दे विच कार्रवाई हो रही है वह बिल्कुल सही हो रही है, जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है वह बिल्कुल गलत कार्रवाई कर रही है। जेकर तुहानू जानकारी दईए तो जदों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते ईडी दे वल्लों छापेमारी की गई सी तां आम आदमी पार्टी ने चन्नी नूं चोर कह दिता सी सिद्धा ही कि ईडी दे वल्लों छापेमारी की गई है, इस करके चन्नी चोर है। हुण जदों आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों से छापेमारी होण लग पई है, आगुआं दे खिलाफ जांचां चलन लग पईआं ने, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाण लग पिया है, तो आम आदमी पार्टी कहिंदी है कि साडे खिलाफ बदलाखोरी की कार्रवाई केंद्र सरकार दे वल्लों की जा रही है। अजिहे इल्जाम भी हुण विरोधी पार्टियां दे वल्लों लाए जाण लग पए ने कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे ते दोहरा रवैया आखिर क्यों अपना रही है। इत्थे एक सवाल असी तुहाडे कोलों भी पुछ लेना चाहुंदे आ कि तुहानू की लगता है जो केंद्र सरकार दे वल्लों आम आदमी पार्टी दे इन्हां आगुआं दे खिलाफ कारवाइयां कीतियां जा रहियां ने वो सियासी बदलाखोरी है कि जां फिर ठीक कार्रवाई की जा रही होएगी। जो भी तुहानू लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तां यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।